हाय एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 10 ऑफ GK एंड GS सीरीज़। और इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो आप जो ये नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अपनी क्वेरीज पूछने के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड आप इंस्टाग्राम पे BHU पाठशाला @BHU पाठशाला को फॉलो कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिएगा, यू कैन अवेल PDF फ्रॉम देयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1773 के विनियमन अधिनियम की नहीं है? इट डिजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। तो ये जो फीचर है, दिस इज़ क्वाइट करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी देखते हैं, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी इज, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774 कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो इसके तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे, जिसमें जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं ऑप्शन ए बी एंड सी में, ये सभी के सभी सही हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें से जितने भी प्रोविजन है सारे के सारे ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के हैं। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, विच मीन्स नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन मैंने 3 ऑप्शंस और इस तरीके का ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है कि मैं इनडायरेक्टली आप सभी को बताना, मैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के सभी फीचर्स आपको बताना चाहता हूँ। और ये तीनों के तीनों ही फीचर्स या इनमें से कोई एक एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, विच मुगल एम्परर ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीवानी अधिकार होता क्या है। तो जो ये दीवानी अधिकार होता है, सिविल दीवानी राइट्स, इसमें राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, जो रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के राइट होते हैं, ये इसको दीवानी राइट्स बोला जाता है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री जुस्सा आलम था मुगल एम्परर, इसने दीवानी राइट्स जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच चार्टर एक्ट अलाउड इंडियन क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंडिंग क्रिश्चियनिटी। किस चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के विस्तार के उद्देश्य से भारत में आने की अनुमति दी? तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत जो ईसाई मिशनरीज थे इनको भारत आने और क्रिश्चियनिटी था उसका प्रचार करने का जो परमिशन था दे दिया गया। तो और दूसरे ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात कर लें, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 यानी 1793 का था, इसके तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी यानी एक अधिकार था ट्रेड पर, उसको अगले 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया यानी बढ़ा दिया गया। और ऑप्शन सी के बारे में बात कर लें, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और एक और फैक्ट इससे रिलेटेड है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से, कि इसके पहले जितने भी नियम बन करके जो ब्रिटिश यहाँ पे आते थे उनको रेगुलेशन बोला जाता था, मगर अब से जो लॉज बनेंगे उनको एक्ट्स यानी कि अधिनियम बोला जाएगा। सो ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था, इसने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत सिविल सर्विसेज में जो इंडियंस थे, इंडियन पीपल का भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। और वहीं पर अगर हम दूसरे ऑप्शन की भी बात कर लें, तो जो ऑप्शन ए है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ भारतीय जनसंघ, जो बाद में चल के भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी गई। और ऑप्शन सी इज़ गोपाल कृष्ण गोखले। तो
तो जो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक इंडियन रिवोल्यूशनरिस्ट थे और इन्होंने जो एक केसरी पत्रिका थी उसका संपादन इन्होंने किया था। तो एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो केसरी पत्रिका का संपादन था मतलब किसने किया, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका संपादन किया। तो जो केसरी पत्रिका थी उसका संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, जो क्लीमेंट एटली थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत को आज़ादी मिली। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन। सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार की खोज की गई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार था द ग्रेट बाथ, वो दैट वॉज फाउंड इन मोहनजोदड़ो। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, और लोथल को आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये डॉकयार्ड सिटी था यानी पत्थर नगर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 इज बाय विच रूलर आगरा सिटी वॉज फाउंडेड इन 1504 यानी 1504 में किस शासक द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई। तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना जो थी दिस वॉज डन बाय सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई। वहीं अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शंस के बारे में तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही इस्टेब्लिश्ड गुलाम वंश की स्थापना इसी ने की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ऑप्शन सी के बारे में बात कर लें तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर ने इसमें इब्राहिम लोधी को हरा दिया। ठीक है, और अकबर वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स और इसने 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म का जो था स्थापना किया या शुरुआत किया और बिरबल वाज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ दीन ए इलाही। चलिए आगे चलते हैं, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु इज़ द राइटर ऑफ शाहनामा। तो जो शाहनामा है इसके लेखक कौन है? तो शाहनामा एक किताब है और इसके लेखक हैं फिरदौसी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात कर लें दूसरे ऑप्शन के बारे में तो जो ये अलबरूनी है इन्होंने किताब उल हिंद नामक किताब थी उसकी रचना की और ये महमूद अब गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, इनको तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर डी के बारे में हम बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क कर लेंगे कि तूती ए हिंद के नाम से कौन जाना जाता है, तो अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनकी दो प्रमुख रचनाएँ हैं, एक है पद्मावत, ठीक है, इस पर एक मूवी भी बनी थी और काफ़ी विवाद भी हुआ था, पद्मावत, और एक है अखरावट। ठीक है, अखरावट, दीज आर टू इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स ऑफ मलिक मोहम्मद जायसी। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज बाय होम वॉज यंग बंगाल मूवमेंट फाउंडेड। यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू की गई? तो जो यंग बंगाल मूवमेंट थी दिस वॉज स्टार्टेड बाय हेनरी लुइस विवियन डोरोजियो। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। और दूसरे ऑप्शन के बारे में अगर हम वही बात कर लें तो दूसरा ऑप्शन पहला है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी ने इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक किताब है उनकी रचना की। और ऑप्शन बी इज़ स्वामी, ऑप्शन बी इज़ राजा राम मोहन राय। तो जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। और हाँ, एक और फैक्ट जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड है कि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना तो की ही थी, इसके साथ आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड पर्सियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया। तो जो नवरोज एक पर्सियन फेस्टिवल था, फारस का त्यौहार था, उसने मतलब इसका इंट्रोडक्शन इंडिया में किसने कराया यानी किसने इसकी शुरुआत की? तो जो ये बलबन के द्वारा नवरोज त्यौहार जो शुरुआत किया गया भारत में। और दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लें तो अकबर अपने मैंने बताया अभी 1582 में इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को इसने पूरा कंप्लीट करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज विच कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। तो
कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो जो बांग्लादेश है ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत के साथ, और इस सीमा की लंबाई 4096 यानी 4096 किलोमीटर्स, ठीक है, 4996 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 इज इन विच स्टेट लोनार लेक इज़ लोकेटेड, किस राज्य में लोनार झील स्थित है? तो ये लोनार लेक है यानी लोनार झील, दिस इज़ सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। और मैंने इसको इसलिए आज के सेट में रखा हुआ है क्योंकि ये लेक कुछ समय पहले इसका पानी जो था पिंक कलर का हो गया था यानी गुलाबी कलर का हो गया था। और वहीं दूसरे ऑप्शन के बारे में अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन बी है मणिपुर, और मणिपुर में लोकटक झील है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन डी राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी साल्ट वाटर की लेक सांभर लेक है, ठीक है, राजस्थान में क्या है, सांभर लेक है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपना महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश बाय थ्री साइड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो जो त्रिपुरा है दिस इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम थ्री साइड्स, और ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और टोटल कुल मिलाकर के पांच ऐसे राज्य हैं, फाइव स्टेट्स ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक हो गया असम, और त्रिपुरा मैंने आपको अभी बताया, ये असम, त्रिपुरा, बंगाल, मेघालय, एंड द फिफ्थ वन इज़ मिजोरम, ठीक है। तो अगर प्रश्न ये भी आ सकता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर होगा फाइव स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी दरार घाटी से होकर के बहती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं दरार घाटी से क्या तात्पर्य है। तो जो मान लीजिए ये दो माउंटेन हैं, ठीक है, ये दो माउंटेन हैं और इसमें से कोई नदी बहती है, तो एक रिफ्ट, उसी को कहते हैं रिफ्ट, कि ये नदी रिफ्ट से यानी दरार से बह रही है, ठीक है। सो जो ये नर्मदा है, क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा फ्लोस थ्रू रिफ्ट बनाते हुए निकलती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। देखिए कुल चार नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर के बहती हैं, उनका नाम है नर्मदा, ताप्ती, माही एंड साबरमती, और ये चारों की चारों नदियां अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा युग्म 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं? तो 10 डिग्री के चैनल के द्वारा कौन सेपरेट होता है? अंडमान एंड निकोबार। इसमें मैंने ज़्यादा ऑप्शन इसलिए नहीं लिए हैं कि यही दो अधिकतर पूछे जाते हैं, कि एक 10 डिग्री चैनल और एक 8 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अलग होता है, ठीक है, और जो 8 डिग्री चैनल से कौन अलग होता है? लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये रिवॉल्यूशंस हैं इधर, ठीक है, ये दीज आर रिवॉल्यूशंस, और किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो येलो रिवॉल्यूशन दिस इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स यानी तिलहन के उत्पादन से, सही है। वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क, ये भी सही है। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश, ये भी सही है। गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो जो ये गोल्डन रिवॉल्यूशन है दिस इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर, हॉर्टिकल्चर से गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज इन विच ईयर सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश, किस वर्ष सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई? तो सेबी का जो स्थापना हुआ था दिस वॉज डन इन 1988 में इसकी स्थापना की गई। और दूसरा ऑप्शन उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो जो ये 1982 है नाबार्ड का स्थापना हुआ था इसमें, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और 1969 इसमें इसरो की स्थापना हुई, ठीक है, और 1952 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दिस वॉज एस्टेब्लिश इन 1952, NDC मीन्स नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
18 को हम लोग देखेंगे क्या है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, यहाँ पे कुछ दिवस दिए गए हैं जो कब मनाया जाता है ये लिखा हुआ है, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा गलत है। जनवरी 12 यानी 12th ऑफ जनवरी नेशनल यूथ डे, बिल्कुल सही है, और ये स्वामी विवेकानंद जी का उस दिन जन्मदिवस होता है। ऑप्शन बी इज़ मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेंस डे, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ जुलाई 11 यानी 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन डी इज़ इंटरनेशनल योगा डे 1 दिसंबर को, ये गलत है। इंटरनेशनल योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट एड्स। तो चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिस इज़ द रॉन्ग पेयर। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज एड्स, HIV एक वायरस होता है, उससे एड्स होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज द पुलित्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? जो ये पुलित्जर पुरस्कार है, दिस इज़ रिलेटेड टू जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लें तो जो ग्रैमी पुरस्कार है वो म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी सारे इनाम दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, और ऑस्कर सिनेमा से रिलेटेड है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये भी सिनेमा से रिलेटेड है। और चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अ पायोनियर इन, उस्ताद बिस्मिल्ला खान एक अग्रणी थे, यानी कि उनका स्पेशलाइजेशन किस क्षेत्र में था? तो जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान थे ये शहनाई वादक थे, ठीक है, और ये मतलब शहनाई बजाते थे। और दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लें तो तबला से रिलेटेड हैं जाकिर हुसैन साहब, और सितार से पंडित रविशंकर एक बहुत ही महान विभूति रहे हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 20 विल बी शहनाई। चलिए देख लेते हैं आपके लिए जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन फॉर यू इज़ व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। थैंक्स।